हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 और क्लास हमारे पास क्या है, नाइन्थ। नाइन्थ क्लास की सिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। चैप्टर का नाम क्या था? लाइंस एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है? इन फिगर आपको एक फिगर दी हुई है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। उसके अंदर दो लाइंस हैं, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पे। इफ़ अगर हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री है एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ये हमें फाइंड करना है, कुछ हमें गिवन है, कुछ हमें फाइंड करना है। देखो कैसे, ये आपको फिगर दे रखी है, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो हमारे इंटरसेक्ट करती हैं। किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट ए के, सॉरी पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को, आगे क्या दे रखे हैं। इफ ए ओ सी, ए ओ सी आपके पास ये जो एंगल है ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये आपका जो एंगल है ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है? बी ओ डी, बी ओ डी ये हमारे पास क्या है? बी ओ डी ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री का दे रखा है। फिर हमें फाइंड करना है सी ओ ई और इसका रिफ्लेक्स, बी ओ ई फाइंड करना है। एक तो बी ओ ई और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास। देखते हैं कैसे। देखो लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ पे। और गिवन में क्या है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दोनों आपके पास से गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब एंगल ए ओ सी है जो हमारे पास, ए ओ सी ये जो हमारे पास है, इसका वर्टिकली अपोजिट कहाँ है? ये जो लाइन है इसी से एंगल, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ है? बी ओ डी, ये आ जाएगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बी ओ डी कितना दे रखा है? 40, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास से? 40 डिग्री। ए ओ सी इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल है बी ओ डी, तो क्या हो जाएगा? ए ओ सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। बाई सेकेंड, सेकेंड से हमने पता कर लिया कि बी ओ डी इज इक्वल टू 40 था, तो ए ओ सी भी क्या आ जाएगा? 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर सॉल्व करेंगे। ए ओ सी हमारे पास 40 आ गया, तो इसमें पुट करो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, बी ओ ई इज इक्वल टू 70, 40 को इधर लेके आए माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आया? 30। तो जो हमारे पास एंगल बी ओ ई है वो भी कितना आ जाएगा? बी ओ ई ये कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। ये 40 है, ये 30 है, और इस पर जब हम एंगल बनाते हैं एक लाइन के ऊपर, जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180। तो तीनों का प्लस करें 180 के इक्वल होना चाहिए। एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी तीनों इज इक्वल टू 180, लेकिन ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारे पास कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है ना फर्स्ट में, प्लस एंगल सी ओ इज इक्वल टू 180, 70 को उधर लेके गए, सी ओ ई हमारे पास कितना आ जाएगा? 110। तो हमारे पास ये जो सी ओ ई है ये हमारे पास कितना आया? 110। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल हमारे पास कितना है? 360, 360 में से 110 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने के 360 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 250। और हमें क्या फाइंड करना था? एंगल बी ओ ई। अब हमारे पास क्या है? बी ओ ई ये हमने पहले ही फाइंड कर दिया, ये हमारे पास कितना आया? 30। और इसका रिफ्लेक्स कितना आएगा? 250। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के स्टेटमेंट क्या है? इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कोई भी दो लाइंस दी गई हैं, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। अब हम फाइंड करेंगे कैसे। देखो आपको ये फिगर दी हुई है, आपके पास एक्स और वाई है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी लाइन? एम एंड एन। और आपको क्या दे रखा है कि आपके पास एक एंगल तो गिवन है और ए और बी की रेशियो आपको दे रखी है 2:3। अब ये 2:3 है तो ये 2 हो गया, ये 3, 2:3 आ जाएगी। और एंगल पी ओ वाई वो कितना है? 90 डिग्री दे रखा है, तो ये तो हमारे पास 90 हो गया। टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 90 को हम घटा देंगे, तो ये दोनों है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। तो क्या कर देंगे? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 और सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल के एंगल्स बताएंगे। देखो क्या लिखेंगे,
इन फिगर, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है और गिवन में ये क्या है, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। तो हम एंगल्स के नाम लिख लेंगे, लेट ए एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x और एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो दे रखा है तो रेशियो से हम क्या बनाते हैं, नंबर भी बनाते हैं। उसके लिए हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे ax और bx, ठीक है, a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। फिर हम अगर x की वैल्यू निकाल देंगे तो हम a और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो एंगल XOM, अब तीनों एंगल्स का सम कितना है, इज इक्वल टू 180 है। अब ये हमारे पास कितना है 3x है, क्योंकि एक्स ओ एम ये हमारे पास कितना है 3x है और ये कितना है 2x है और प्लस है 90 इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 बाई 5 क्या आ जाएगा 18। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 18 डिग्री। एक्स 18 आ गया तो हमें क्या निकालना था एक्स ओ एम, एक्स ओ एम हमारे पास कितना आ जाएगा 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा 54। इसी तरह सेकंड क्या है पी ओ एम, ये हमारे पास कितना है 2x, 2x की कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा 36। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है एंगल सी, और एंगल सी का हमारे पास नाम क्या है एक्स ओ एन, एक्स ये हमारे पास जो एंगल है वो क्या है सी, एक्स ओ एन। अब ये जो हमारे पास सीधी लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, तो इस पर भी तो लीनियर पेयर बन गया ना लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या कर दिया, या तो हम इसका वर्टिकली अपोजिट कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं दोनों का सम 180 आना चाहिए। और 180 करने के लिए ये हमारे पास कितना आ गया 54 आ गया, और ये हमारे पास कितना है ये निकाल लेंगे 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 हो जाएगा, एंगल सी आपके पास कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल करके निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास किसका वर्टिकली अपोजिट है, ये हमारे पास इसका वर्टिकली अपोजिट है, इसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ आ जाएगा, तो इससे कर सकते हैं 90 प्लस 36 कितना आ जाएगा 126। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर दे रखी है। इन फिगर इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, आपको दे रखा है कि एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो क्या है आपके पास एक लाइन है। अब सॉरी 3 नहीं 4 पढ़ दिए, 3 क्या है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। आपको गिवन में क्या दे रखा है कि जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है, और प्रूव करना है कि पी क्यू एस किसके इक्वल है पी आर टी के इक्वल है। देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है एंगल, ये हमारे पास फिगर दे रखी है आपको। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा 180 आ जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे के लिख लिया इज इक्वल टू 180। दूसरी हमारे पास क्या है एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा पी आर क्यू, और दूसरा क्या है पी आर टी, ये इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, लीनियर पेयर पे है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दोनों में देखते हैं कि दोनों में से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास इधर क्या है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, और दूसरा क्या है पी आर क्यू प्लस पी आर टी। लेकिन आपको गिवन क्या है कि पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगी, क्या बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, आपको गिवन में क्या x प्लस वाई है वो किसके इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड के, तब हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो क्या है कि लाइन। एक लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये आपको फिगर है गिवन,
आपको क्या बता रखा है कि ए ओ बी एक लाइन प्रूव करनी है, और गिवन में क्या है कि एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस ए जेड के इक्वल है। एक्स प्लस वाई ये जो है ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। देखने से तो आपको पता ही चल रहा है कि ये भी 180 का एंगल बनेगा, ये भी 180 का। एज्यूम दैट हमने मान लिया कि ए ओ बी है, ए ओ बी ये क्या है एक लाइन, अगर ये एक लाइन है तो एक्स प्लस वाई का सम कितना आएगा, 180, लीनियर पेयर पे एंगल है। इधर भी क्या है जेड प्लस डब्ल्यू, उसका भी सम क्या आएगा, 180, ये भी लीनियर पेयर पे एंगल है। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि दोनों 180 है, तो ये भी दोनों क्या है इक्वल है। तो जो हमने मानना था कि हाँ ये 180 के इक्वल है वो हमारे पास प्रूव हो गया, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ए ओ बी है वो क्या है लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर एंगल पी ओ क्यू इज ए लाइन, आपको फिगर में दिया हुआ है पी ओ क्यू क्या है एक लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और आपके पास एक रे दी हुई है ओ आर, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस आपके पास एक दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। तब हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखते हैं ये आपके पास प्रूव करना है, प्रूव आपको ये करना है प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये आपके पास फिगर दी हुई है कि ओ आर कोई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू लाइन के ऊपर। एक रे हमारे पास ओ एस है जो पी और सॉरी पी क्यू आर जो एंगल है उसके बीच में से ड्रॉ कर रखी है हमने। अब देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या, ये हमारे पास 90 डिग्री है तो इसका टोटल भी कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखो एंगल आर ओ एस है, अगर हमें एंगल आर ओ एस ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल है टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, आर ओ पी टोटल था हमारे पास उसमें से माइनस कर दे किसको, पी ओ एस से। अगर टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उधर से अगर हम दूसरी साइड से लेके चल रहे हैं ऐसे, इधर से अगर हमें आर ओ एस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास क्या है क्यू ओ एस से, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, क्यू ओ आर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर भी यही बचेगा। दो इक्वेशन हो गई, जब हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, कैसे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम अगर इक्वल रखने के बजाय जो हमें प्रूव करना है अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम देखो कैसे करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी राइट में राइट, इधर ऐड हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस पी क्यू एस, ये हमारे पास है पी ओ एस और यहाँ पे आएगा पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। अब ये 2 times हो गया तो क्या लिख देंगे, 2 times एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन में क्या था, आपके पास गिवन दे रखा है कि क्यू ओ आर है वो किसके इक्वल है, आर ओ पी के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो हमारे पास एंगल क्यू ओ आर, ये आपके पास एंगल क्यू ओ आर है और दूसरा क्या आर ओ पी, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, 2 को इधर लेके आएंगे 1/2 हो जाएगा और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और जो एक्स वाई है उसको प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है टू पॉइंट पी, सॉरी इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं आपको फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपके पास गिवन है एंगल एक्स वाई जेड, हमने सबसे पहले एक एंगल बना लिया एंगल एक्स वाई जेड, और कितने डिग्री का बना दिया, 64
4 डिग्री का। उसके बाद देखा एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई जो लाइन थी उसको प्रोड्यूस कर दिया किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, और ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इससे हमने ड्रॉ कर ली इफ रे वाई क्या हूँ, फिर हम एक रे यहाँ पे वाई पॉइंट है, वाई से क्या रे ड्रॉ करनी है, बाइसेक्ट जेड वाई पी, जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, जेड वाई पी अगर इसको बाइसेक्ट करेगी तो इधर रहेगी, इसलिए हमने वाई क्या ड्रॉ कर दी। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्या, एक्स वाई क्या, इट मीन्स ये आपको फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स क्या वाई पी, और क्या वाई पी ये जो आपके पास है इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, आपके पास गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, और दूसरा आपके पास क्या है कि अगर इसके ऊपर जो भी एंगल्स बने उनका सम क्या होता है 180, तो 180 होता है तो हमारे पास क्या बन गया एंगल, एंगल जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180। जेड वाई पी हमें पता नहीं है, जेड इज रख लिया, प्लस ये हमारे पास कितना है 64 इज इक्वल टू 180। जेड वाई पी निकाल देंगे, 180 माइनस 64, जेड वाई पी कितना आ जाएगा 116। अब ऑल्सो गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फिर हमारे पास क्या है, जो वाई क्यू रे है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो टोटल था हमारे पास उसको बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स हाफ में डिवाइड कर रही है, और टोटल कितना आया 116, तो इसका हम हाफ कर देंगे तो क्या वाई पी भी 58 का हो जाएगा, ये भी आपके पास 58 हो जाएगा और ये भी आपके पास 58 आ जाएगा, दोनों 58 58 आ जाएंगे। फिर हमें फाइंड क्या करना था, क्या वाई एक्स ये फाइंड करना था, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल एक्स वाई क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस क्या वाई जेड, दोनों को प्लस कर देंगे, 64 प्लस 58 इज इक्वल टू 122। दूसरा हमें क्या निकालना था, ये जो आपको एंगल दे रखा है इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मैंने क्या बताया था, जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रखा है उसी को 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये 58 है इसको 360 में से माइनस कर देंगे, 58 को क्या आ जाएगा 302। यही आपको फाइंड करना था कि एंगल एक्स वाई क्या फाइंड करना था, वो 122 आया और रिफ्लेक्स क्या वाई पी क्या आ जाएगा 302। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। ओके, थैंक यू।